स्वागत है आपका जीके खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। लद्दाख स्टूडेंट यूनियन द्वारा जम्मू में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर लेह लद्दाख और कारगिल के छात्रों द्वारा सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर एक विशाल रैली निकाली गई। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। तो जो प्रोटेस्ट है वो हम सब यहाँ मिलकर हम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं, लद्दाख फुल फ्रीडम यूनिवर्सिटी। ऐसा हमेशा 72 साल से लद्दाख के साथ ज्यादा हो गया हो रहा है, क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 8 यूनिवर्सिटी है, उसमें लद्दाख को एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया गया। एक बेसिकली जो आज का प्रदर्शन है, ये जो सारे जो लेह लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एक ही डिमांड है, सदियों से यही डिमांड चल रहा है कि लेह में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो मैं अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रहा हूँ। तो लद्दाख के अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक पीस प्रोटेस्ट है। जो आज ये प्रोटेस्ट जो है लेह कारगिल और लद्दाख और कहीं चंडीगढ़ दिल्ली इस सब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रियासी म्यूनसिपल कमेटी के चुनावों के बाद जीते हुए 13 वार्ड पार्षदों को जिला विकास आयुक्त प्रसन्ना रामास्वामी द्वारा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में शपथ दिलवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में रियासी के गणमान्य लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर विधायक अजय नंदा भी मौजूद थे। रियासी से रोमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं ये कहूँगा 13 साल के बाद ये जो है म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए और 13 साल के बाद जो है ये म्यूनसिपैलिटियाँ बनने जा रही हैं, और आज रियासी की जहाँ पे जो शपथ ग्रहण का जो समारोह हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि ये आज मुबारक की बात भी है। देखिए जो आज पार्षदों द्वारा शपथ ग्रहण हुई है 13 वार्डों की, बहुत खुशी है कि एक मौका मिला है रियासी शहर का, रियासी टाउन का सेवा करने का। मैं समझता हूँ कि जो पार्षद जीते हैं मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपने अपने वार्ड की अच्छी तरह सेवा करें। काफ़ी उत्साह है, जनता ने प्यार दिया है, उस प्यार को शर्माते हैं हमारे जो भी काम अब हमारे वार्ड के होंगे, जो शहर के होंगे, उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी और जो भी मसले जनता के होंगे उन मसलों को हल किया जाएगा। श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक विकास केंद्र में आज रियासी जिला विकास आयुक्त प्रसन्ना रामास्वामी और विधायक अजय नंदा की अध्यक्षता में नपा चुनाव में जीते हुए पार्षदों को एसडीएम कटरा अशोक चौधरी द्वारा शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने के उपरांत समारोह में उपस्थित सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। हर एक को हक है वो अपनी आवाज रखे, लेकिन जब पार्टी फाइनल कर देती है तो मुझे लगता है कि उसके बाद सभी को जो पार्टी डिसाइड करेगी वो सभी पार्षदों को मंजूर होगा। ऐसा है, पहले तो जवाब था कि ऐसा है कि मेरी प्राथमिकता गवर्नमेंट के ऊपर ही थी। मैं जीता था तो मैंने अपना फोकस जो था वो गवर्नमेंट के ऊपर ही रखा था, तो अभी भी जो मेरा फोकस होगा वो गवर्नमेंट के ऊपर ही होगा। एनसी वर्कर्स की धर्मशाला में विपिन पॉल प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट की अगुवाई में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। जेके खबरनाओं के लिए अनिल गग्याल की रिपोर्ट। नए एमसी में नियुक्त म्यूनसिपल कमेटी का ठाठरी में शपथ प्रोग्राम आयोजित किया गया। शपथ का ये प्रोग्राम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अनवर बडे की अध्यक्षता में किया गया। शपथ का ये प्रोग्राम डाक बंगलों में किया गया। प्रोग्राम में ठाठरी के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने भी हिस्सा लिया। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। जानते हैं अभी कुछ दिन पहले म्यूनसिपल इलेक्शन हुई थी पूरी स्टेट में, उसी के तहत हमारे यहाँ जो है ठाठरी में इलेक्शन हुई और यहाँ लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 80% से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को लेकर युवाओं ने चिट्ठा बेचने वालों के खिलाफ फिर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सोहन चंद ने बताया कि स्थानीय युवाओं के साथ बैठक के उपरांत उन्होंने एक लिखित में ज्ञापन एसडीएम कटरा अशोक कुमार चौधरी को दिया है, जिसमें युवाओं द्वारा मांग की गई है कि चिट्ठे जैसे नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ प्रशासन जल्द कार्रवाई करे और तस्करों पर PSA लगाकर जेल में डाला जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को चिट्ठे के नशे से बचाया जा सके। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। जैसे हमारे नौजवान साथियों ने एक रैली निकाली थी नशे के मुताबिक, उस रैली की सदारत हमारे पूज्य गोविंदर सिंह जी कर रहे थे नशे के बारे में। जैसे हमारे कटरा के अंदर नशे की बहुत ज्यादा खपत आ रही है और बेच रहे हैं, लोग पी रहे हैं, उससे सैकड़ों लोगों के घर उजड़ रहे हैं, नौजवान लड़के मौज के मुंह में जा रहे हैं। वाइट नशा जिसको बोलते हैं कटरा में बहुत चल रहा है, और जहां पे आपको हम बता दें कि
हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, कई लोगों के घर जो हैं वो उजड़ रहे हैं इस नशे से। कई मौतें जो हैं इस साल में 7-8 मौतें हो गई हैं, नौजवान लोग जो हमारे थे वो चले गए और ये नशा इतनी तेजी से चल रहा है। सब डिविजनल ठाटरी के ब्लॉक कहारा में सरपंच और पंचों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरे, जिसमें PYT ठाटरी वार्ड नंबर 1 से 4 पंच और 1 सरपंच ने नॉमिनेशन फॉर्म रजिस्टर किया। ठाटरी से अर्शद अयूब भट्ट की रिपोर्ट। उपजिला अस्पताल हीरानगर के अंतर्गत विभिन्न सब सेंटर में प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय कुमार बाली मुख्य रूप से उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम के मेडिकल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुरु प्रसाद शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आयुष्मान भारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हीरानगर से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। SSP पुंछ राजीव पांडे ने एक मीटिंग की, जिसमें सुरनकोट के सारे सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया, जिसमें ADSSP DYPS सुरनकोट SHO सुरनकोट भी थे। और SSP पुंछ ने कहा कि पंचायती इलेक्शन में सब हमारे तवान करे और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। देखिए, ये सतही और जमीनी जो हमारे इंतखाबात होने हैं पंचायत की, उसी के मुताबिक आज हमने यहाँ पर लोगों से गुफ्तगु की है और लोगों को हमने गुजारिश की है उनके तावन के लिए। लखनपुर में अवैध तरीके से प्रतिबंध पॉलिथीन लेके जा रहे ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें 13,000 किलो की पॉलिथीन बैग भरे हुए थे। लखनपुर चेकिंग के दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये सफलता प्राप्त की। लखनपुर से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। बिश्ना के तहसील भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें म्युनिसिपल चुनावों में चुने गए कस्बे के 13 नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई गई। पार्षदों को शपथ SDM साउथ साहू द्वारा करवाई गई। इस दौरान BJP के 6 पार्षदों और बिश्ना विकास मंच के बैनर तले 7 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पार्षदों के सहयोगी मौजूद रहे। बिश्ना से शशि कुमार की रिपोर्ट। JK हक इंसाफ काउंसिल के प्रेसिडेंट की तरफ से किश्तवाड़ में हुए हादसे की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। राजौरी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 108 भेड़ बकरियां बिजली गिरने से मर गई, 12 के करीब घायल भी हैं। राजौरी से आकाश मलिक की रिपोर्ट। जी, हम पीर पंजाल इस रास्ते आया था, कल न परसों मारो डेरा पहुंची हुई थी, तो रात या बारिश पे ही जिस माल बैठो तो तमाम माल मारी गई और जी भविष्य भी है उनको पता ही नहीं जगह तय कितनी। अच्छा, हमने कई तादाद नहीं माल को 150 की हमने ये तादाद आए थे। हम तो कल दिन में यहाँ आया, यहाँ बारिश पड़ी, बारिश की वजह से बिजली पे ही तो 150 बकरी मारी गई। आम शहरी की हत्या का मामला शाहिदे हबीब ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। किश्तवाड़ की घटना को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहा कि कोई भी शहरी जो निहत्ता है उसको कभी भी नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि हत्या कभी किसी समस्या का हल नहीं है। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक अवेयरनेस कैंप फॉर भारत को करप्शन फ्री बनाना है, हर बच्चों ने डिबेट भी की। करप्शन फ्री पर बच्चों को इनाम भी दिया गया और बच्चों ने शपथ भी ली कि हम करप्शन नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। पुंछ पुलिस ने पुंछ और सरपंच की डाक बंगलो सुरनकोट में बैठक ली, जिसकी अध्यक्षता SSP पुंछ राजीव पांडे ने की, जिसमें सभी प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना करने के सख्त निर्देश दिए गए। पुंछ से ताहिर काजमी की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए JK खबर नाउ। आप हमारा फेसबुक पेज JK खबर नाउ भी लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो और नाम के साथ हमें भेज सकते हैं।